कृष्ण भक्त आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी कृष्ण भक्त, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर, अभी जो आप 2 मिनट पहले रिपोर्ट निकाले थे भारत माता के बारे में, एक बार फिर से निकालिएगा सर भारत के बारे में। कहाँ सर, मतलब सर यही बताने आया भारत कितना डेवलप किया। अच्छा ओके, जी ये रिपोर्ट था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, जी निकालिएगा एक बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये लीजिए आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हाँ तो इसमें क्या बताइए। हाँ क्या दिख रहा है आपको, बता दीजिए। ये अफ्रीका की कंट्री हैं, और अफ्रीका की कंट्री जी में रेटिंग दिया गया है, जिसका जितना हाई होगा उतना ही समझिए कि वो बेकार देश है। वहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, लोग जो है उतना ज़्यादा वहाँ पे भूखे नंगे लोग हैं एक तरह से। तो यहाँ पे 29.3 है जाम्बिया का, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जी 2022 का ये डेटा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो 29.3 है जाम्बिया का, इससे आगे है मेडागास्कर 38.7, लेकिन 29.3 से नीचे जो है सूडान है, इससे बाकी सब नीचे हैं। इसी तरह से याद रखिएगा डेटा 29.3 जाम्बिया का है। फिर इसके बाद से इसके नीचे जो आया है डेटा, ये साउथ अमेरिका का है, तो इसमें कोई भी सब 19.9 मैक्सिमम गया है वेंजुएला का। फिर यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन, तो इसमें एक ही देश हैती, जिसका 32.7 है, बाकी सबका 18.8, ये नीचे ही है। इसके बाद से नीचे साउथ ईस्ट एशिया हेलो, है, ए, बता दूं मैं, क्लियर कर दूं, यहाँ पे साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें 29.1 है इंडिया। इससे आगे दो देश हैं, अफगानिस्तान और तैमूर लेस्टे, ये हैं दो। तो हंगर इंडेक्स ये बता रहा है कि इंडिया का जो रैंक है बहुत बुरा है, और जितने भी जो दुनिया के बहुत बेकार से बेकार देश हैं उनके जैसा है यहाँ पे हंगर इंडेक्स, यानी लोग यहाँ के बहुत भूखे नंगे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर लेकिन इस डेटा को तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था, ये आपको पता तो होगा। भाई ये बताइए कि कोई इंडिविजुअल देश डेटा को रिजेक्ट कर देगा तो इससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो यही मान रही है ना। नहीं सर, दुनिया मतलब मान लो कोई, अच्छा अगर ये ये डेटा बताइए, आप किसी जिस प्राइवेट कंप्यूटर सर्वे ग्रुप से, के द्वारा अच्छा एक चीज दिखाया गया बताइए है। मुझे, आपने यस विमान सर। शास्त्र का नाम सुना है। नहीं सर, विमान शास्त्र मतलब एरोनॉटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं आप। हाँ विमान शास्त्र, वैमानिका शास्त्र का नाम सुना है आपने। नहीं सर, मैंने नहीं सुना। आपने ऐसा सुना है कि परमाणु का खोज किसने कर दिया था, अणु का खोज किसने कर दिया था, बिजली का खोज अगस्त मुनि ने कर दिया था, ये सब सुना है आपने। नहीं सर, उतना इंटरेस्टेड नहीं है सब टॉपिक में, लेकिन मेरा जो सवाल था नहीं सर इंटरेस्टेड की कि बात ये, नहीं, आप सुन लीजिए मेरी बात पहले सुन लीजिए। हम बोलिए सर तो बोलिए। भारत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि हमारे यहाँ वैमानिका शास्त्र थी, जैसे दयानंद सरस्वती भी ऐसे बात लिखते हैं, इसी तरह से सारे आर्य समाजी भी लिखते हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग लिखते हैं कि इनके यहाँ कोई एक तलपड़े था, उसने विमान भी उड़ा दिया था 1885 में, राइट ब्रदर से पहले। वो तो तो रामायण आप में भी उड़ा क्लेम दिया था सर, किसने उड़ा दिया था? रामायण में रावण ने भी उड़ा दिया था सर। हाँ रामायण में रावण ने भी उड़ा दिया था, तो ये क्लेम है ना। अब यस कोई सर ये दावा करे, अब कोई ये दावा करे कि भाई ये जो डेटा है हमारे यहाँ, आप जो विमान बनाए हो हम आपके विमान को मानते ही नहीं है। हमारे तो ऋषि मुनि बहुत पहले से विमान उड़ाते आए हैं, हमारे तो अगस्त मुनि पहले से बिजली बना के रखे हुए हैं, हमारे यहाँ तो कनाड जो है अणु परमाणु खोज करके बैठे हुए हैं, तो हम आपके विदेश का किसी भी डेटा को मानने से इनकार करते हैं। तो वो उनकी बात मान ली जाएगी, या नहीं जो सर, ग्लोबल होगा वही मानी ये जाएगी। आपकी बात सही है, मैं भी ये आपकी बात मान रहा हूँ। तो ये जो बता रहे इंडियंस बता रहे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, इसका कोई सोर्स नहीं, जिसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे कि इंडिया एक बड़ा देश है, यहाँ पे एक बड़े लेवल पे सर्वे की जरूरत है। तो ऐसे मतलब 2000 लोगों से पूछ के नहीं बताया जा सकता कि इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स लेवल पे क्या स्थान है। ये आप कैसे तय कर ले रहे हैं कि दो चार लोगों से पूछा गया होगा, वो ग्लोबल है ना, वो तो सर्वे किया होगा ना, उसने पूरे दुनिया का नहीं सर्वे किया सर्वे होगा, ऐसा अगर थोड़ा है कि सिर्फ भारत का वो करके छोड़ दिया होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। हुआ है सर, मतलब सर्वे हुआ है ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही बताई है कि ये जो सर्वे हुआ है ग्राउंड लेवल के रियलिटीज बिल्कुल अलग है। मतलब अच्छा जो ग्राउंड रियलिटी, हाँ आप गूगल कर सकते अच्छा हैं, बहुत सारे आर्टिकल इस पे पब्लिश हुए हैं। अच्छा ये बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, तो एक दूसरा डेटा दिखा देते हैं, इस डेटा को यस हटा देते सर हैं, एक दूसरा डेटा जी भी सर शेयर कर देते हैं। एक ये डेटा है, ये भी ग्लोबल इंडेक्स है, इसको भी देख लेते हैं ना। यस हाँ ये ग्लोबल इंडेक्स देखिए, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, यस सर क्या लिखा यस है सर यस इसमें। सर ये देखा था मैंने सर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये जो मीडिया का है इसका जो रैंक है इस बार फिर ड्रॉप हुआ है। मतलब कि फ्रीडम फ्रीडम जो है मीडिया का वो गिरते जा रहा है, ये इस बात को तो मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना,
तो जी बिल्कुल यहाँ सर, पे ये अब ये बताइए कि इंडिया स्लिप्स इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक्स 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अब ये बताइए कि अगर मीडिया ग्लोबल इंडेक्स में तो ये भी नीचे है, इसको भी खारिज कर दीजिए, कहिए कि नहीं हमारे हमारे यहाँ तो मीडिया को बहुत स्वतंत्रता दी गई है, हमारे यहाँ तो किसी का न पेज ब्लॉक होता है न किसी नहीं मीडिया सर, को दबाया गिराया वैसा कोई जाता बात है। नहीं, वैसा तो कुछ कोई आप बात देखिए ना, नहीं। अब इसका रिपोर्टिंग जो है देखिए कैसे किया होगा, बिना सर्वे के थोड़े किया होगा। सर, देखिए भारत में 1.4 बिलियन लोग है, तो अब 1.4 बिलियन लोगों में से चाइना का भी किया हाँ है ना उसने, उसने चाइना का तो भी दिखाया चाइना, है ना उसने। हाँ हाँ तो बोलिए। चाइना का भी दिखा। वो एक बात बताइए सर, चाइना डेटा जो होता है, चाइना मतलब चाइना में फ्रीडम ही कितना आपको वहां सर्वे करने, आपको क्या फ्रीडम ही मिलता है वहां पे? तो भारत में भी वही चीज लागू होता है ना कि भारत में कौन सा चाइना का फ्रीडम तो मिल आप गया वही फिर। देख सकते हैं जो तो चाइना आपको दिखाना चाहती है। तो भारत भारत ने भी वही चीज क्यों नहीं दिखाया जो वो दिखाना चाहती है। में डेमोक्रेसी है सर, भारत में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे अच्छा, इंडिया भारत क्या, में डेमोक्रेसी इंडिया है, में बाकी आप, जगह डेमोक्रेसी नहीं ये है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है सर, सुनिए अच्छा, इंडिया में इसमें इसमें चाइना का रैंक सर, कितना है, मीडिया में चाइना का रैंक कितना है, भारत से पीछे होगा फिर तो। सर उसका तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा जो बात है मैं ये बता रहा हूँ, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ आप इंडियन गवर्नमेंट तक पे केस कर सकते हैं। तो इंडिया, इंडिया का बात अलग है, चाइना का केस अलग है सर। यहाँ पे जो है चाइना का रैंक जो है इंडिया से पीछे होगा ना फिर, देख लीजिए सर, आपके आगे खुला हुआ तो है। कितना है इसका, 179 है ना यहाँ पे। तो सर इसका देखिए मीडिया का वहां पे नहीं छूट है, तो ये काहे नहीं चाइना ने फिर दिखा दिया उसको कि हमारा जो रैंक है यहाँ बड़ा अच्छा है। फिर ये तो बोल रहा है कि मतलब चाइना में सर, मीडिया को चाइना, फ्रीडम चाइना इंडिया ये से भी कहाँ खराब एक्सपेक्ट, है। चाइना ये कहाँ क्लेम कर रहा है सर कि मेरे यहाँ जो है मीडिया को फ्रीडम नहीं मिल रहा? चाइना तो ये कभी क्लेम ही नहीं कर रहा, और चाइना दिखाता भी वही है जो चाइनीज गवर्नमेंट को पसंद आती है। रिसेंटली जैकमा ने कुछ बोला था, जैकमा को जानते हैं सर, रिसेंटली कुछ दिन पहले वो एशिया के सबसे अमीर आदमी थे, तो उन्होंने कुछ चाइनीज गवर्नमेंट के रिलेटेड बोल दिया था, वो कई महीनों तक लापता है, अभी भी सही से उनकी जानकारी नहीं है, तो उसको शायद चाइना छोड़ना पड़ा, अभी चाइना में भी नहीं है, तो फ्रीडम वो थोड़ी है सर उसका, चाइना का बात ही क्या करना। अरे तो चाइना की बात नहीं करनी है, तो ये तो वो है ना कि अगर हंगर इंडेक्स में बेहतर दिखा रहा है चाइना को, तो फिर ये इसमें मीडिया में कहाँ है काहे सर, खराब दिखा इंडिया रहा से, है। इंडिया से कुछ ठीक है सर, बेहतर कहाँ नहीं, इंडिया से बहुत बेहतर है हंगर इंडेक्स में चाइना, हंगर इंडेक्स में चाइना बहुत अमेरिका के देशों से बेहतर सर, है। अरे पाकिस्तान एक को भी मिनट सर एक बेहतर मिनट दिखा रहा है, आप क्या कहना चाह अरे रहे तो हैं? पाकिस्तान को बेहतर दिखा रहा है वो किस पर्पस से दिखा रहा है, रेशियो दिखाता है ना, जनसंख्या के हिसाब से रेशियो। मान लीजिए कि पाकिस्तान की पाकिस्तान, जनसंख्या कितनी है, पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है। पाकिस्तान की जनसंख्या सर सही से मुझे याद नहीं, लेकिन रैंक उसका फोर्थ है सर, फोर्थ या फिफ्थ है वर्ल्ड नहीं, फोर्थ फिफ्थ से नहीं मतलब है ना, उसकी जनसंख्या 27 या 28 करोड़ है ऐसे है, और सन 2000 में उसकी जनसंख्या भारत के मुस्लिमों से भी कम थी, पता है ना उसकी, में। उसने अब जनसंख्या हाँ बढ़ाई है। तो उसकी जनसंख्या जो है सोचिए कि 27 28 करोड़ है, भारत की 140 करोड़ है। नेपाल जो देश है, बांग्ला जो देश है, श्रीलंका जैसे देश जो छोटे छोटे देश हैं, इनका भी, ये भी तो छोटे देश हैं लेकिन इनका हंगर इंडेक्स भारत से इम्प्रूव है, जनसंख्या का रेशियो आएगा ना। अफगानिस्तान भी तो बगल में है, उसकी भी तो जनसंख्या कम है लेकिन उसका हंगर इंडेक्स भारत से भी खराब है, वहां पे ज्यादा भूखे नंगे लोग हैं ना लेकिन वहां पे। सर, यस सर, लेकिन देखा जाए तो सर इंडिया जो है एक फूड सेल्फ सफिशियंट कंट्री है, इसका मतलब इंडिया उतना ये नहीं ग्रो मतलब कर होता पा है रहा, ना, देखें ये बताइए कि तो सारे फिर संसाधन सर पर पैनहेडल सिस्टम का ये कब्जा है कि नहीं है, पहले ये बताइए। भी सर, सारे सिस्टम ये पर जितने प्रोफेसर हैं, जितने नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब पर तो पैनहेडल सिस्टम का कब्जा है, वो धनी है ना, उनके धनी सर होने से बाकी देश की जनता थोड़े धनी हो गई, नहीं सर, वो उनके बात नहीं, धनी मतलब होने से, भारत की कुछ जातियों के पास सारे संसाधन होने से नहीं देश सर, की लेकिन बाकी के जो अन्य जातियां थोड़े धनी हो गई। बिलो पॉवर्टी लाइन के सर जितने भी आदमी है, गवर्नमेंट उनको दे तो रही है, मतलब सप्लाई तो मिल ही रहा है, राशन मिल ही क्या रहा है, क्या दे रही है, क्या दे रही है बताइए तो जरा हमें, राशन क्या दे मिल रहा रही है ना है, सर गवर्नमेंट की तरफ राशन से पकाएंगे किस पे, राशन पकाएंगे किस पे। सर, राशन पकाए, ये थोड़ी है कि राशन पकाने के पका अच्छा पकाए। अच्छा राशन पका पकाया दे रही है, बना हुआ पैकेज दे रही है खाने के लिए। अब सर ऐसा तो कोई नहीं पका भी नहीं सकता है, हाँ होगा 2-4% होगा, वो अलग बात है, वो किस एक्सट्रीम चीज पे पॉवर्टी में चला पकाएगा, गया नहीं किस चीज पे पकाएगा बताइए ना मुझे, किस चीज पे पकाएगा। भाई,
सर इसका सर्वे तो अभी तक नहीं हुआ है कि इंडिया में कितने परसेंट लोग हैं जो खाना भी नहीं पका सकते, तो इसके रिलेटेड तो कुछ नहीं कर सकते। एक सर्वे है, ये यस मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जरा देखिए। इंडिया की पर डे जो दिखाइए। हाँ इनकम, अरे वही तो दिखा पर रहा हूँ कैपिटा इनकम जो 1 डॉलर से भी कम है, मैं जो देखा जाए तो। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2800 के आसपास जाने वाली है, ये मुझे पता है सर। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2800 के आसपास है, 2800 डॉलर के आसपास। अरे डॉलर में मत बताइए, डॉलर में अरे मत पर बताइए कैपिटा आप इनकम सर भारत वैसे ही मेजर किया जा रहा रु, अरे रुपया में कन्वर्ट, है। इंडियन रुपी में कन्वर्ट अच्छा कीजिए ना, ये मैं शेयर कर रहा हूँ ना, इसको देखिए एक बार। हाँ अच्छा ये जो है डॉलर में, आप बोलिएगा, भारत के लोग रुपया जानते हैं ना, डॉलर थोड़े समझ पाते हैं, जो समझ तो पाते हैं मेजर सर उसमें डॉलर समझाइए में ही ना। क्या जाता है ना, बुक में भी डॉलर के अभी तो आप बेसिस मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत में कोई भी चीज अमेरिका पर डिपेंडेंट है, उसके डॉलर पर डिपेंडेंट है, नहीं उसके सर डॉलर में कैलकुलेट सर करेगा, सर नहीं फिर सर वो स्वदेशी मैं किस नहीं बात कहना के। चाह हाँ रहा हूँ। हमारे देश का जो एनसीईआरटी बुक पब्लिश होता है, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम का डेटा भी जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास, वो भी डॉलर में मेजर हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है, कुछ भी मेजर हुआ हो ये उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना आप रुपये में, इंडियन रुपये में। ये देख लीजिए यहाँ पे आया हाँ हुआ है कि तो अप्रैल जून 2022 तक का इंडिया आंकड़ा आया है, इसमें ये दिखाया है कि मेल का जो कमाई है $392 पर यस डे सर रुपीज हाँ प्रति सर दिन यस जो सर है, पता है मुझे। हाँ 392, और महिला का कमाई जो है इतना कम है, 265 है, हाँ समझ सर रहे हैं ना। देखिए सर, हाँ सर तो एक देश जो ये होता है ना, बोल ठीक रहा है है, अब सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, जी, टू बोलिए सिक्सटी सर, बोलिए फाइव बोलिए सर। टू सिक्सटी फाइव रुपीज पर डे जो है मेल लेमर्स अबाउंग 265 इतना है, और इंडियन वाज रूरल एरिया में 392 है। अब मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति जो है, और ये तब है 392 जब मान लीजिए कि उसमें से कोई धनी भी व्यक्ति होगा, कोई ज्यादा कमाता होगा, कोई कम कमाता होगा, इसका एवरेज बता रहा है। अब कोई व्यक्ति जो है मतलब पूरे टोटल महीने पॉपुलेशन जो है में, सर एवरेज नहीं निकाला कोई जाए तो व्यक्ति, 2800 डॉलर के आसपास टोटल इनकम है सर, पर कैपिटा इनकम है। अगर एवरेज पॉपुलेशन कितना कमाती है उसका ये डेटा आप सर बता रहे ना। हाँ अब पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति महीने में 4 से 5 हज़ार रुपया कमाया, 2 हज़ार 3 हज़ार ही मनरेगा कमाया, मनरेगा में कितना कमाते हैं बताइए, के बारे में सर नहीं पता है। नहीं पता है ना। भारत में नहीं ऐसे भी सर लोग हैं जो कमाते भी 1 डॉलर नहीं हैं, से आप भी कम पूरे, कमाते हैं सर पर डे, यही हाँ ना। हाँ ऐसे भी लोग हैं। अब वो हाँ लोगों यस को आप सर दा है, इनकी अब आबादी उन अच्छी खासी है सर। है ना, तो अब उनको आप कुछ यस दे भी देंगे राशन पानी, तो राशन पानी लेके कच्चे थोड़े खाएगा, उसके लिए उसको गैस चूल्हा चाहिए ना पकाने के लिए, चाहिए कि नहीं हाँ सर चाहिए। वो बात सही है सर। पॉवर्टी है इंडिया में, लेकिन इस पे काम भी तो तो चल रहा है सर जब गैस रिसेंटली। गैस चूल्हा चाहिए ना उनको पकाने के लिए, हाँ बिल्कुल खाना सर खाना पकाएगा सर नहीं तो खाएगा एक कैसे। तो रिसेंटली बताइए एक दो हजार अठारह गैस का दाम कितना हुआ है, आपको पता है? नहीं सर बताइए गैस का दाम आपको नहीं पता है? भारत में गैस का दाम जो है इस समय, दर्शक लोग आप लोग एक बार कमेंट में करके बता दीजिए तो कितना चल रहा है, 1200 का सिलेंडर चल रहा है, देखिए कमेंट में आ रहा है 1200 रुपए का सिलेंडर चल रहा है। बताइए एक फैमिली, एक महीना अमूनन कोई भी फैमिली जो है जिसके घर में 4-5 सदस्य हों, वो एक सिलेंडर एक महीना निकल ही जाता है, कुछ लोगों का उससे भी कम में निकल जाता है। तो अब एक महीना मान लेते हैं कोई व्यक्ति 1200 रुपये का सिलेंडर अगर लेकर आए, तो उसके घर में उसका बाल बच्चा नहीं पढ़ाई करेगा। यहाँ पे तो महीने में कमाने वाले 2000-3 हज़ार सैलरी है, आप देख हाँ लीजिए सर ना ये आंगनबाड़ी में जो काम कर एग्री कर रहा रहा हूँ है सर, उसको कितनी सैलरी आपकी बात मिलती बिल्कुल सही है सर कि ये जो महंगाई है। है बढ़ी है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन रेट इंडिया में अभी 4% के आसपास है, सही बात है सर। और भी देश में इन्फ्लेशन रेट काफी हाई चल रहे हैं, तो ये भी ये बात मैं देखिए आपकी एग्री 1260 कर रुपए 1260 है, कोई बोला है 1170, कोई 1100, अलग अलग स्टेट में आ रहा है अमूनन 1200 एवरेज है। अब बताइए तो सर 1200 रुपए का, तो सुन लीजिए मेरी मैं बात तो सुन मैस में लीजिए ना। खाता हूँ सर, तो मुझे क्या पता होगा। हाँ तो यही तो बोल रहा हूँ ना मैं कि वो लोग बातें कर रहे हैं जिनको एक्चुअल आंकड़ा ही नहीं पता है, जो ग्राउंड पे नहीं है। आप जो है मेस में खाते यस हैं, आपके पैसा माता पिता से आता होगा, आपको नहीं जानकारी है। असली जानकारी लीजिए कि यस जिसके घर की कमाई, जिसके घर की महिलाएं जो हैं जाके बर्तन झाड़ू करके कहीं से कमाती है, महीने में 3-4-5 हज़ार कमाती हैं, उनके घर में 2-3 बच्चे हैं, वो बच्चों का फी कैसे भर पाएगी, कपड़े लत्ते कैसे खरीद पाएगी, वो अपने साबुन लत्ते कैसे खरीद पाएगी, रोटी दाल चावल, और राशन मिलेगा तो हर चीज थोड़े मिलता है, मसाला दाल वाल कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा। अब 1200 का सिलेंडर में ही खर्चा कर देगी तो कहाँ से चीजें चल पाएंगी। अब ऐसे लोगों को जो ग्लोबल होगा वो तो दिखाएगा ना फिर नीचे
कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है, भूखमंगी है, वो तो दिखाएगा। अब आप उसको रिजेक्ट कह देंगे एक सिग्नल, हम भाई नहीं मानते हैं, तो आपके मानने ना मानने से ग्लोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सच्चाई यही है कि भारत में एक वर्ग जो है लाखों लाखों रुपए की सैलरी उठा रहा है। आप जाके देख लीजिए जितनी एमएनसी कंपनीज हैं, जितने भी जो इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, वहां पे जितने लोग जो जॉब कर रहे हैं बड़े अच्छे पैकेज उठा रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक दूसरा वर्ग है जो बिजनेस कर रहा है, वो भी अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन एक तीसरा भी वर्ग है जो मजदूरी कर रहा है, किसी को मजदूरी भी नहीं मिल रही है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, वो कितना लाचार है, बेतहाशा है, कैसे जिंदगी गुजार रहा है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करेगा। तो ये हकीकत ये है कि जब वो चेक करेगा तो वो लोग जो बड़े बड़े पैकेज उठा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं तो मेस में खाता हूं, आपको रोटी दाल चावल का भाव नहीं पता है, तो वैसे ही वो एलिट क्लास जो बैठ के वहां पे, वो तो रिजेक्ट करेगा, कहेगा नहीं नहीं हम तो अच्छे हैं भाई, तुम कैसे बोल दिया कि गरीब है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है ना कि जो गरीब लोग हैं उनकी बात ही वो नहीं समझ रहा है ना। वो तो गाड़ी में बैठा, अपने फोर व्हीलर में बैठा, अच्छा सा 28-30 लाख की गाड़ी में बैठा, निकल गया रोड से, अब रोड के नीचे जो है कौन भीख मांग रहा है, कौन कहाँ पे सोया है, कौन चिथड़े पहन के जा रहा है, कौन बच्चा जो है फटे कपड़े पहन के ही स्कूल गया है, उसके पास वो नहीं है जूते, उसके कहाँ से उसको पता चलेगा, तो वो तो बैठे बैठे ऑफिस से रिजेक्ट कर देगा ना भाई। लेकिन हकीकत यही है कि जो आंकड़े ग्लोबल आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, ये चीज है। चले फिर कृष्णा भक्त नागसेन यहाँ पे लिख रहे हैं, जय भीम सरजी, दो जाति को जरूर पता है ईश्वर नहीं है, एक है ब्राह्मण और दूसरा अम्बेडकरवादी बौद्ध। बिल्कुल सही कहा है आपने, जो बीच में है वही बिन पेंदी का लोटा है, बाकी कंसेप्ट उन लोगों के बिल्कुल क्लियर है।